हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नाटा मिनी मॉक टेस्ट टू। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश पैसेज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट में, और आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज मेकिंग सम वीडियोज ऑन द मैथमेटिक्स। तो खैर, अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमने जो लास्ट पैसेज देखा था उसका जो एक क्वेश्चन था, इट इज़ लाइक ये मैंने पैसेज दिया हुआ था, कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है तो डेफिनेटली दे विल गेट मोर मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन, एंड आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने यहाँ पर इसके आंसर की डाल दी है। यहाँ पर लोगों ने सोशोलॉजी का थोड़ा सोचा है, बट अगेन जो मुझे लगता है इट इज़ अ थियोसोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर गॉड का नाम यूज़ हुआ है बार बार, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मैंने इसके आंसर की डाल दी है। और अगर आप चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मली पीडीएफ जो होती हैं उनको टेलीग्राम चैनल पर हम लोग कम ही वीडियोस को पीडीएफ को अपलोड करते हैं, बट अगेन क्योंकि अभी एग्ज़ाम ज़रूरी है तो मैंने सोचा हुआ है कि जो टेस्ट होने वाले हैं उनके सारे की सारी जो पीडीएफ्स हैं आपको इस चैनल पर जाकर मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर आप यहाँ पर आर्क जेनेसिस के ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ही आपके लिए ईजी रहेगा, जो भी रहे, लेकिन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह सारी की सारी मिलती रहेंगी, ठीक है? तो ये यहाँ पर है। और इन फ्यूचर जो मैंने सोचा हुआ है कि लाइक जो भी हम पैसेज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिस्कस नहीं, आंसर की हाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी पीडीएफ के अंदर मैं आंसर डाल दूंगा, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर आप वन मॉक टेस्ट वन और टू में कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो चलो, तो अभी हमारे क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है ना 20% प्लस 10%, ऐसा वाला डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए शर्ट आर 20% एंड एक्स परसेंट, ठीक है? एक शर्ट है, उसकी रेट कितना लिखा हुआ है द शर्ट में, अच्छा ओके, तो 2100 रुपये की टी शर्ट है, जो शर्ट है उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसके ऊपर 10x% डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद जो 2100 की जो शर्ट है आपको पड़ती है 1176 रुपये की, 1176 रुपीज़। तो आपको एक्स परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूले वगैरह आते होंगे, बट अगेन मुझे इतना कुछ जानकारी है नहीं। तो उसका सिंपल तरीका है, मान लीजिए हमने 2100 रुपये की शर्ट ली, तो हमें ये तो पता है कि 20% डिस्काउंट दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले 20% इसको ऑफ निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा, परसेंटेज हटाएंगे हम लोग अपॉन 100 लगा देंगे, वेरी सिंपल, इसको हटा देते हैं। तो ये कितना आया, 2 4, 420 रुपये का डिस्काउंट होता है 2100 रुपये की शर्ट के ऊपर, आप 20% डिस्काउंट मिला 420, तो मुझे कितने की पड़ गई है, 2100 माइनस 420 में माइनस कर देता हूँ, ठीक है? जो कि ये आएगा 08, और ये कितना हो गया 16, तो 1680 रुपये की। अब मुझे ये पता है कि 1680 रुपये के ऊपर कुछ परसेंट डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा, जिससे कि जो मेरी टी शर्ट है वो 1176 रुपये की हो जाए। सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1176 मल्टीप्लाई बाई 100, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये करिए हो जाएगा 1680। ये क्वेश्चन बनी अपनी, तो मतलब ये डिस्काउंट अपने को मिल गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आई थिंक ये आपको पता चल जाना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये डिस्काउंट पर चलेगा ना, कि कितने परसेंट डिस्काउंट नहीं हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस इट इज, इट हैज टू बी 100 माइनस एक्स, मतलब क्या है इसको, चलो सॉल्व करते हैं। रुको, कैसे करूं यार, मैं कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकता हूँ इसमें, तो इसको यहां से हटाते हैं, और 1680, 2 मिनट रुको, मैं ना मोबाइल फोन से देख लेता हूँ, अदरवाइज अभी हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप करके देख लेना, 1176 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड करते हैं 1680, इट इज गोइंग टू बी 70। तो ये पूरा का पूरा आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने क्या देखा है कि 1600 रुपये के ऊपर हम जो 1600 रुपये की टी शर्ट है वो कितने परसेंट है, मतलब सॉरी 1176 जो रुपीज हैं वो 1680 रुपये कितने परसेंट है, मतलब क्या है, हमें डिस्काउंट की बात नहीं चल रही है, प्राइसेस, तो 70% है इसका, तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट विल बी 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30% डिस्काउंट मिला। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, मैंने कैसे कैलकुलेशन की है कि 1680 रुपये की टी शर्ट, इसको हम लोग ये भी हटा सकते हैं, अभी समझना हो तो अगर आप सिंपल क्वेश्चन ये बना लो कि 1680 रुपये पे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि वो टी शर्ट 1176 रुपये की हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल देंगे 1680 रुपये कितने परसेंट है उसका, तो इट इज लाइक 1680 रुपये जो का 70% 1176 पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, 30% आपको डिस्काउंट मिला है, तो राइट ऑप्शन विल बी 30% डिस्काउंट।
ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन आता है, अभिषेक डिवाइड्स सम मैंगोज अमंग फोर बॉयज। तो अभिषेक है, उसके पास कुछ आम है और वो चार लोगों में, चार बच्चों में डिवाइड करता है, लड़कों में। ही गिव्स 1/4 ऑफ द फर्स्ट बॉय, तो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू द सेकेंड बॉय, 50%, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग टू द थर्ड बॉय एंड द रिमेनिंग 20 टू द फोर्थ बॉय। मतलब क्या है, उसके पास कुछ मैंगोज थे, सपोज करो 100 मैंगोज थे, उसने क्या करा, इसका जो 1/4 दे दिया, मतलब 25 दे दिए उसने ए लड़के को, लेट से ए हो गया, तो 75 बचे। 75 के अंदर 1/3 जो थे उसने दे दिए हैं, 75 का 1/3 दे दिया उसने बी को, फिर कितना बचा, 75 माइनस जो भी निकल के आया मान ले बी, तो उसका जो बचा होगा उसका आधा दे दिया उसने सी को, मतलब 75 माइनस 75 इंटू 1/3 ये दे दिया सी को, और जो डी को बचा हुआ है वो बचे हैं 20 मैंगोज। तो आपको बताना हाउ मेनी मैंगोज हैड इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में मैंगोज कितने थे। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया 100 थे, लेट से इट वॉज 100, लेकिन ऐसा थोड़ा ही ना होगा 100 होंगे उसके पास। तो हम क्या करते हैं कि उसको मान लेते हैं कि जो मैंगोज थे वॉज टोटल एक्स, सपोज करो एक्स मैंगोज थे, ठीक है, तो उसने जो ए जो लड़का था, लेट से कि चार लड़के थे, ए बी सी डी मान लेते हैं, उसने ए को कितने दिए, एक्स मैंगो का 1/4, तो उसने ये मैंगोज जो दिए एक्स बाई फोर उसने दे दिए हैं ए लड़के को, ठीक है। उसने बी को कितने दिए, जो बचे हुए थे उसके 1/3, कितने बचे होंगे, एक्स माइनस एक्स बाई फोर बचेंगे ना, क्योंकि टोटल पहले 100 थे, 25 उसने दे दिए, ऐसा मान के चलो, इन स्टार्टिंग इट वॉज एक्स, और एक्स 1/4 मतलब एक्स बाई फोर दे दिए उसने उसको, तो कितने बचेंगे, 3/x, सॉरी इसको करेंगे तो 3x/4 बचेंगे, 3x/4 के 1/3 उसने किसको दे दिया है, बी को दे दिया है ना, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू द सेकंड बॉय, यहां से आप कटेंगे तो इक्वल टू एक्स बाई फोर, यहां पर कुछ इसको बच जाएगा, उसको भी एक्स बाई फोर आपने उसको दे दिए, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तीसरा आता है कि 1/3 ऑफ द एक्स बाई फोर उसको दे दिए, तो एक्स माइनस एक्स बाई सॉरी यहां पर ये बचा हुआ कि यहाँ 3x जो इस किसके पास बचे थे, इतने बचे हुए थे, अब इसके पास कितने थे, 3x/4 थे, उसके अंदर अपन माइनस कर दिए x/4, ठीक है, तो कितना हो गया 2x/4 दैट इज x/2। तो अब जो c के लिए जितने बचे थे x/2 थे उसके पास, अब तीसरे लड़के को इतना दिया था थर्ड बॉय, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग थर्ड बॉय टू टू दी 1/2, तो x/2 का हाफ आ दे दिया, तो उसको करेंगे x/4 उसने इसको दे दिया, ठीक है। अब कितने बचे, x/2 थे, x/2 में से माइनस कर लीजिए, x/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये जाएगा 2x/x इज इक्वल टू 4 इज x/4, जो लास्ट में कितना बचेगा, x/4 बचेगा डी के लिए, ये तो बचा, और x/4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है कि रिमेनिंग 20 ऑफ द फोर्थ बॉय, तो x/y इज इक्वल टू 20, तो x निकाल लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 80, 80 क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, आई थिंक समझ में आया ना कैसा कराया मैंने, दोबारा बताता हूँ आपको सिंपल तरीका, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल ऐसे लेकर चलो, मेरे पास स्टार्टिंग में 100 मैंगोज थे, ठीक है, मैंने ए बच्चे को दिए, कुछ बी बच्चे को दिए, सी बच्चे को दिए, डी बच्चे को दिए, लेट से मैंने ये बोला गया है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आई गेव 1/4 ऑफ द फर्स्ट बॉय, तो मैंने क्या करा, 1/4 कितना हुआ कि 100 का 4 से डिवाइड करेंगे, इट इज गोइंग टू 25 मैंगोज, मैंने 1/4 मैंगोज दे दी ए को, 25 इसको दे दी, अब कितने बचे, 100 माइनस 75 बचे, 100 माइनस 25 बचे दैट इज 75, 75 का 1/3 मैंने दे दिया है इसको, इसको कर देंगे 1/3 मैंने इसको कर दिया, तो लाइक कि 25 इसको दे दिए मैंने, तो 25 इसको, बी को भी 25 चले गए, अब कितना बचा, 50 बचा, क्योंकि 75 टोटल थे उसमें 25 इसको दे दिए, अब कितने बचे, 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50, अब 50 के बारे में बात कर रहा है कि मैंने आधे किसको दे दिए, 1/2 ये दे दिए मैंने उसको सी को, मतलब 25 मैंने इसको भी दे दिए, अब कितने बचे, 25, इस तरह से क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। अगर आप इसको देखेंगे उसी टाइमलाइन को लेकर चलेंगे, अगर आप मान लीजिए हम लेकर चलते हैं इन स्टार्टिंग इट वाज एक्स टोटल, एक्स का मैंने एक्स बाई फोर मैंने दे दिए ए को, अब कितना बचा, एक्स माइनस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू 3x/4 बचे,
3x/4 का 1/3 मैंने दे दिया बी को, ये कितना बचा, x/3 बचा। अब कितना बचेगा कि 3x/4 में से आप 1x/3 माइनस कर लेंगे, उसका आप हाफ दे देंगे सी को, और जो लास्ट में बचेगा इट वाज 1 बाई, कितना था, x/4 बचा था, इज इक्वल टू 20। एक्स के मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू मल्टीप्लाई बाई फोर, मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू 80। सिंपल कैलकुलेशन है। और अगर आप बताऊँ आपको जहाँ ये भी समझ में नहीं आया है ना, तो ये बहुत सिंपल तरीका बताऊँ आपको मैं, इसको वैल्यू पुट करके देख लो। लेट से कि स्टार्टिंग 120 थे, तो लेकर देख लेते हैं ए बी सी डी। 120 मान लेते हैं अभिषेक के पास, 120 मैंगो से स्टार्टिंग में। आई नो कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी समझने का है ना, समझो। तो 120 है, तो उसने बोला कि 1/4 उसने ए को दे दिए, तो 120 का 1/4 कितना हुआ, इज इक्वल टू 30। 30 मैंगोज मैंने ए को दे दिए। अब कितने बचे उसके पास, 90 बचे। 90 का 1/3 मैंने इसको देना है, तो 1/3 करे इज इक्वल टू 30 बचे। अब कितने बचे, 30 मैंने बी को दे दिया, अब कितने बचे, 90 - 30 इज इक्वल टू 60 बचे। 60 का हाफ मैंने कितना दे दिया, 30 मैंने फिर सी को दे दिया, अब कितने बचे, 30 बचने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, एंड द रिमेनिंग 20, इसका मतलब 20 बचने चाहिए थे, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। 40 करके देखो, 40 की वैल्यू पुट करो, तो 40 का आपने 1/4 करा इज इक्वल टू 10 मैंगोज मान लीजिए आपने ए को दे दिए, 30 बचे, 30 का आपने 1/3 आपने इसको दे दिया, तो 10 यहाँ पर बचे, तो कितने बचे, अब 30 - 10 इसको दे दिए, तो 20 बचे, 20 का आप हाफ करेंगे तो ये 10 इसको दे दिया, कितने बचे, 10 बचे। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, होना चाहिए 20 होना चाहिए, तो आपको ये भी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। 160 लेके चलोगे तो वहां पर भी ऐसे निकल का आएगा, 160 का हाफ 1/4, 40 आपने इसको दे दिए, तो अब कितने बचे, 120, 120 का 1/3 आप लेंगे तो 40 आपने इसको दे दिए, तो कितने बचे, 90, 90 का आपने हाफ इसको दे दिया, तो कितना बचा, 45। तो भाई ये 45 कैसे बच गया, क्योंकि 20 बचने चाहिए थे, तो इसका मतलब सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी को चेक करते हैं, डी का सही आएगा, क्यों, 80 दिया आपने, 80 का आपने 1/4 कितना हो गया इसका, 20, 20 मैंगोज आपने ए को दे दिए, तो अब कितने बचे सी बी के लिए, मतलब 20 देने के बाद यू हैव 60, 60 का 1/3, 1/3 था ना, हाँ 1/3 आपने किसको दिया, बी को दिया, मतलब 20 मैंगोज आपने बी को दे दी, अब कितने बचे, 60 - 20 इज इक्वल टू 40, 40 का आपने हाफ लिया, हाफ इसको दे दिया, 20 बच इसको दे दिया, 20 बचे, यस इक्वेशन सॉल्व हो गई ना, कि इन द फोर्थ एंड है ना वन द थर्ड बॉय एंड द रिमेनिंग इज 20 टू द फोर्थ बॉय, तो आपकी क्वेश्चन पूरी सॉल्व हो गई। तो ये तरीके होते हैं, ये एप्टीट्यूड है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, आपको बस समझना पड़ेगा कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 24। मतलब क्या है, ये पी और क्यू दो लोग रहे होंगे, 3 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी, 24। एवरेज का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक ए है एक बी है, तो ए के नंबर आते हैं 10, बी के नंबर आते हैं 12, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों के नंबर ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, दैट इज 10 + 12, और कितने टोटल थे, 2 आ गया, तो मतलब 22 / 2 इज इक्वल टू 11 हो गया, ऐसे एवरेज निकालते हैं। तो ये तो बोल रहे हैं 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 24। मान लेते हैं पी की जो एज है पी है, और जो क्यू की एज जो है क्यू है, ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा, विद आर ज्वाइनिंग देम द एवरेज एज बिकम 20 years नाउ, हाउ ओल्ड इज आर, वेरी सिंपल। मान लेते हैं 3 लोग थे पी क्यू आर, उनकी एज आज की डेट टाइम में कितनी है, पी क्यू आर ही है, 3 साल पहले कितनी होगी पी की एज, p - 3 होगी, आपकी एज कितनी है, 20 years है। आज मैं बोलूँ कि आपकी उम्र आज 20 साल है, 3 साल पहले कितनी होगी, आप बोलेंगे सर जो आज की जो मेरी एज है -3 years कर लो, तो पी की 3 साल पहले कितनी हुई, p - 3, क्यू की कितनी हुई, q - 3 हो गई, यही तो होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 24, तो p - 3 को आप ऐड कर लो, q - 3 को by 2 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू कितनी दिखा रहा है, 24, तो ये p + q और ये -6 इज इक्वल टू, इसको उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 48, ये तो हुआ। तो p + q इज इक्वल टू 48, जाके उधर ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इट इज गोइंग टू 54। आज की कितनी, p + q इज इक्वल टू 54। अभी बोल रहा है विद आर ज्वाइनिंग देम, अब क्या करता है, जो आर एक नया आदमी है उसने ज्वाइन कर लिया, एवरेज एज बिकम 20 years, मतलब p + q + r को अगर हम ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनना चाहिए 28, वेरी सिंपल। तो p + q का आप डाल दो, 54 आ गया, प्लस जो आर है यहाँ पर ये आ जाएगी, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24,
24 और 3 2 जा 6 और 26 प्लस 2 84 बना, तो 54 पी प्लस क्यू की 54 आर की वैल्यू निकल जाएगी 84 माइनस 54 इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ये आ गया। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज इज कंसिस्टेंटली बाई 50% एवरी ईयर। मतलब क्या है, कोई एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मान लीजिए 100 रुपये है, तो अगले साल उसको 50% बढ़ोतरी के बाद मिल जाती है, दैट इज़ 50% आप इंक्रीज करेंगे तो आज सौ रुपये मिलती है, अगले साल उसकी कितनी हो जाएगी, 100 का 50% दैट इज 50, तो उसको अगले साल मिल जाएगी 150, फिर उससे अगले साल क्या होगा 150 का 50%, तो ऐसे ही 4 साल के बाद बतानी है। द एवरेज ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज कंसिस्टेंटली बाई 50% एवरी ईयर दिस इफ द हिज सैलरी टूडे इज 10,000 रुपीज, आज उसकी कितनी है 10,000 है, वॉट विल बी द सैलरी आफ्टर अनदर 4 ईयर, 4 साल के बाद सैलरी क्या होगी। फॉर्मूला आता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, वो आपको मिल जाएगा इसलिए, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन मुझे आते हैं, बट बिकॉज यू नो वॉट आई कंसिडर कि यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एट द सेम टाइम, आप इन सारे फॉर्मूलाज याद करोगे ये दिया होगा तो माइंड में क्या होता है, रोट लर्निंग हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ए एप्टीट्यूड पार्ट, है ना, तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपको आना चाहिए कैसा वहाँ पर पहुँचोगे। अगर ये क्वेश्चन मुझे करना होता तो हाउ विल आई सॉल्व इट, वेरी सिंपल। देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है कि मान लीजिए आज जो एम्प्लॉई है उसकी 10,000 सैलरी है, तो उसकी एक साल के बाद कितनी होगी, 1 ईयर लेटर कितनी होगी, 10,000 का 50% कितना होता है, 10,000 का 50% 5,000 हो गया, तो 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 15,000 हो जाएगा एक साल के बाद। दूसरे साल के बाद कितनी होगी उसकी, 15,000 का 50% कितना होगा, 7,500 रुपये, तो 15,000 प्लस 7,500, तो ये कितना आएगा, 0,05 और 15 और 7 22, 22,500 अगले साल हो जाएगी 2 साल के बाद। तीसरे साल कितना होगी उसकी, 22,500 प्लस 22,500 का 50%, तो इसका 22,500 का 50% निकालते हैं, कितना हो गया, 12,250, तो अगली बार जो सैलरी होगी भाई की होगी 22,500 प्लस 12,250, तो कितना आया, इसको करके देखते हैं ना, 22,500, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, सो 33,750 जो उसकी इन हो गई है थर्ड ईयर के एंड में जाके, ठीक है, यही हुआ ना, मल्टीप्लाई बार फिर करके देखते हैं कभी गलत हो जाए कुछ, 0, 5, 5, 5, 2, 7, 2, यार ये 2 और 2, 3 कैसा हो गया, 4 हो गया ना, यहाँ पर 4, तो इट इज इक्वल टू 3,4,7,5,0। ऐसे क्वेश्चंस में कभी न्यूमेरिकल गलती मत करना, जैसे सम की होती है डिवाइड की करना होता है, क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगी, तो आपको फोर्थ ईयर में कितना निकालना पड़ेगा, 3,4,7,5,0 प्लस इसका 50%, तो 3,4,7,5,0 का 50% आप यहाँ से निकाल देंगे, इसको 0 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कितना आएगा कि 3,4,7,5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो ये कितना आएगा, 5 का 5 का 5, 35, 35 का 2 गया 37, वैसे 3 से 5 20, 20 प्लस 3 1 और लास्ट में तो 70 इज इक्वल टू 17,375, जो ये सैलरी आई है ना यही इसका सही ऑप्शन निकल का आएगा, तो इसको मल्टी ऐड कर लेते हैं, 3,4,7,5,0, 5, 7 और 5 का, तो मतलब ये 625 लास्ट में सी के पास ही है, फिर भी चेक कर लेते हैं, तो कितना हुआ, 7 10, कुछ तो गड़बड़ करी है, ये 6 क्यों आ रहा है, प्लस 3,4,7,5,0 करते हैं, तो कहीं तो गड़बड़ हुई है फिर से, ये नन ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमने कुछ गलती की है, रुको मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, कैलकुलेटर खोल कर चेक करता हूँ, 2,250 का 0.5, 11, हाँ तो यहाँ पर 11 आना चाहिए, तो जो हमने करा ना यहाँ पर कैलकुलेशन में 11 आना चाहिए,
तो 11 करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर कुछ। अच्छा हमने कुछ गलती कर दी सॉरी। ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरे को इसको डिलीट ही कर देता हूँ सारा का सारा जो भी हिसाब किताब था, थोड़ा क्लियर कर देते हैं फिर से करते हैं, कोई बात नहीं है टाइम लग रहा है तो लगने दो। जो थर्ड ईयर के लिए 22,500 हो तो तीसरी जो सैलरी आएगी 22,500 प्लस इसका 50%, तो 22,500 का परसेंट होता है 11,250, और अब 11,250 को 22,500 से ऐड करोगे तो इट विल बिकम 33,750। और जो फोर्थ होता है, जो चौथे साल सैलरी आएगी, वो आएगी 33,750 का प्लस इसकी 50%, जो कि आएगी 16,875। और इसको आप मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे कितना आएगा, 33,750 से ये आएगा, ये आना चाहिए 50,625, 33,750 प्लस 16,875। ठीक है तो आप देखो, मैं एक वैसे मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ, अगर मैं फॉर्मूलेज मुझे आते हैं या मैं देख कर बता सकता हूँ, लेकिन जो मेरा तरीका हो यही है कि क्वेश्चन वैल्यू पुट करके देखो या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है चलो खैर, फिर आता है कि 76 लेडीज कंप्लीट ए जॉब इन 33 डेज। तो 76 जो लेडीज हैं वो एक काम खत्म करती हैं 33 डेज में। ड्यू टू सम रीजन सम लेडीज डिड नॉट ज्वाइन, तो कुछ ही वुमेन्स ने, जो लेडीज हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, इसका मतलब क्या होगा, 33 जो डेज हैं वो बढ़ जाएंगे, एंड देयर फॉर इट विल कम्प्लीटेड इन 44 डेज, तो ये 44 दिन में काम हो जाता है। इसका मतलब कुछ लोग छोड़ गए हैं, वुमेन्स जो हैं छोड़ के गई हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है W1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई D2, मतलब कितने लोगों ने काम किया और कितने दिन काम किया, इज इक्वल टू कितने लोगों ने काम किया कितने दिन काम किया। सेम, तो इसको सिंपल तरीके समझते हैं, W1 का मतलब कितना हो गया कि यहाँ पर है 76 जो वुमेन्स हैं वो काम करती हैं, ख़त्म करती हैं 33 डेज के लिए। फिर दूसरा कुछ मानते हैं एक्स वुमेन्स चली गई छोड़कर, जो लेडीज़ हैं तो कितना बची, जितने लोग काम करने पर आई, मतलब 76 थी, मान लेते हैं कि 6 नहीं आई, तो कितनी आई, 76 माइनस 6, एक्स वुमेन्स नहीं है, इसका मतलब कितना हुआ, 76 माइनस एक्स वुमेन्स नहीं है, और D2 कितने लग रहे हैं, 44। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर जाएगा, 76 मल्टीप्लाई बाई 33 इज इक्वल टू 76 मल्टीप्लाई बाई 44 माइनस 44 एक्स। तो आप देखेंगे 76 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 33 से तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 3 18 का 1, 7 3 21, 21 का 22, तो ये 2 2 8, 8 10 5, तो 2508 इज इक्वल टू, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ये आएगा अपना 6 4 24 का जो 28, 304, तो 3 0 4 का 0 4 4 3 3 इजिकल टू 3 3 4 4 -44 x, इसको उधर ले आओ, इधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो 44 x इजिकल टू 3 3 4 4 -2508, तो ये आ जाएगा कितना होगा, माइनस करो 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर बचा 4 4 के कैसे लगा, 3 निकल गया, 25 माइनस 4 8, 44 x, x इजिकल टू इसको डिवाइड हो जाएगा 44 से, तो आप इसको करके देख लेना कितना निकल कर आएगा, तो यही होगा आई सपोज। ठीक है इसका आंसर निकालें, डिवाइड करने के बाद आपको सही आंसर इसका मिल जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है फिर आता है कि इन दी फर्स्ट 10 ओवर ऑफ 50 ओवर ODI वनडे मैच जो क्रिकेट में खेलते हैं, द रन रेट वॉज ओनली 444.4, ओके वॉट वुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 314। देखो पहले तो क्रिकेट के बारे में समझ लो, जो क्रिकेट होता है उसके जो ODI के अंदर 50 ओवर्स होते हैं, वैसे मुझे जरूर लगता नहीं बताने की जरूरत है, इंडिया में क्रिकेट को सब जानते हैं, लेकिन 50 ओवर का मैच है और हर ओवर के अंदर 6 बॉल होती हैं और 1 रन स्कोर करना होता है। तो मान लीजिए 314 हमें बनाने थे,
ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के 10 ओवर में कितने बनाए, 4.4 का एवरेज लिया, तो एक ओवर में 4.4, 10 ओवर में कितना होगा, 44 रन हमने बनाए हैं। फिर ये पूछ रहा है कि वॉट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 314। तो मतलब 314 में से हमारे 44 रन तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो बचे 270। अब बताने हैं कि 270 को बनाने के लिए अगले 40 ओवर हैं, क्योंकि 50 ओवर का मैच होता है, 10 ओवर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो 40 ओवर्स में कितना चाहिए, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 270 को आप डिवाइड करेंगे, 40 ओवर्स है, इसको कितना जाएगा, 4 को डिवाइड कर दो, 6 4 24, 3.074 जा 28 के बाद 2 0 इज इक्वल टू 6.25, तो इसका सही ऑप्शन आ गया 6.25। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन आपको देखा जा रहा हूँ, वॉट नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ 4, 10, 12, 24 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इन द प्रोपोर्शंस। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 4, 10, 12, 24 इसको कैसे कर सकते हैं कि सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। अरे बहुत सिंपल है कि इसमें आपको नंबर ऐड करो, क्या नंबर सब में ऐड होना चाहिए कि प्रोपोर्शन में आ जाए। तो मतलब 4 + x हो जाएगा, मान लेते हैं वो नंबर x है, 10 + x हो जाएगा, ऐसे ही 12 + x हो जाएगा, वो नंबर ऐड करेंगे तो 24 + x हो जाएगा, तो 4 + x इज इक्वल 10 + x, यही तो होता है, इज इक्वल टू 12 + x इज इक्वल टू 24 + x, आपकी क्वेश्चन ही बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 + x और 24 + x इज इक्वल टू 12 + x मल्टीप्लाई बाई 10 + x, इसके अंदर x की वैल्यू निकल कर जाएगी तो हो जाएगा। ठीक है चलो, फिर क्वेश्चन नंबर, ये पैसेज है, इफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स टीचेज अस वन लेसन, इट इज टू बी वेरी ऑफ द प्रिसाइजली सच स्लिप बिटवीन बायोलॉजी एंड कल्चर, ह्यूमन्स वी नाउ नो आर लार्जली सिमिलर इन जेनेटिक टर्म्स बट विद इनफ वेरिएशन इन अस टू रिप्रेजेंट ट्रू डाइवर्सिटी, और परहैप्स मोर एक्यूरेटली वी आर कल्चरली और बायोलॉजिकली इंक्लाइन टू मैग्निफाई वेरिएशन इवन इफ दे आर माइनर टू द लार्ज स्कीम ऑफ द जीनोम, टेस्ट दैट आर एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू कैप्चर वेरिएशन इन एबिलिटी विल लाइकली कैप्चर वेरिएशन इन एबिलिटी एंड दिस वेरिएशन मे वेल ट्रैक अलॉन्ग रेशियल लाइन्स। ठीक है, बट टू कॉल द स्कोर इन सच अ टेस्ट इंटेलिजेंस स्पेशली वेन द स्कोर इज यूनिकली सेंसिटिव टू द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द टेस्ट इज टू इंसल्ट द वेरी क्वालिटी इट सेट आउट ऑफ द मेजर। ये बता रहा है कि जो हमारे ह्यूमन्स में वेरिएशन होते हैं, वो वेरिएशन जो होते हैं कल्चरली भी होते हैं, जेनेटिकली भी होते हैं, बायोलॉजिकली भी होते हैं, कुछ टेस्ट बनाए जाते हैं, जो कुछ टेस्ट जो बनाए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर रेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। मतलब मान के चलो, ऐसा मान के चलते हैं कि रेस हो रही है 100 मीटर की स्प्रिंट है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ जीन्स या कुछ जो रेसेस हैं वो थोड़ा फास्ट दौड़ती हैं, कुछ अलग होंगी, तो ये उसके बारे में बात चल रही है कि जो टेस्ट बनाए जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना है, इसका क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं, जो भी PDF आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप जो ऐप है वहाँ से आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके देख लेना, एक मैंने पैसेज छोटा सा और भी दिया है यहाँ पर, उस पैसेज को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे पूरे करने थे और इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मशीन प्रोडक्शन, वेरी सिंपल पैसेज है, इसका मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, इसके भी आंसर की आपको PDF में मिल जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या ऐप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड है तो ऐप ही डाउनलोड कर लो यार, बाकी मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।